हेलो फ्रेंड, माय नेम इज हेमंत जैन। आज हम बात करेंगे सावरिया कंज्यूमर के लिए, क्योंकि मींस ये जो स्टॉक है आप देख सकते हैं सितंबर 2017 से काफी मींस ग्रोथ हुआ है इस स्टॉक में। ऐसा क्या हो गया मींस जो ये इतना ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि उससे पहले तो ये 3 रुपए से 10 रुपए के करीब ही चलता था। और लेकिन ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, ये देखिए 5% के इसमें मई 2017 में दिए थे और सितंबर में दिए थे, और बोनस शेयर भी इस कंपनी ने दिए थे 3 जुलाई 2017 में, और लो इसने बनाया था 3.91 का जो कि मार्च में था, और अब मार्च ही चल रहा है, अभी 18 रुपए का करीब ये चल रहा है, और हाई 34.75 का बनाया था। तो इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके जो वेबसाइट है उस पर मैं लेके चलूंगा। तो आप देख सकते हैं 18.90 का जो है इसमें रेट चल रहा है, और आज थोड़ी बारिश भी हो रही है, बिन मौसम बरसात तो थोड़ी आवाज आती होगी आपको भी। तो इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मेन ये जो कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसमें डील करते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, और देख सकते हैं ये सोयाबीन जो ऑयल रहता है खाने के लिए वो ये बनाती है, और इनका जो एमपी में बहुत बड़ी मीन्स फैक्ट्री है और काफी सारी प्रोडक्ट्स बनाती है, खाली ऑयल ही नहीं बनाती है, जैसे कि पोहा, मैदा, बेसन, आटा, रवा, ऐसे चावल प्रोसेस करती है और मार्केट में बेचती है। और ये काफी मीन्स ये देखिए सोया फ्लोर भी बनाती है, बेसन है, रवा, मैदा, मीन्स काफी मीन्स प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में ये देती है। तो ये डेली के यूज करने वाले प्रोडक्ट है जो डेली घर में यूज होते हैं, तो इसी के चलते इनकी चीजों के डिमांड तो बढ़ेंगे ही, और ये काफी मीन्स स्टोर्स खोल रखे हैं। ये देखिए अवर स्टोर्स, काफी मीन्स जगह पे इन्होंने स्टोर्स खोल रखे हैं सावरिया कंज्यूमर के नाम से, और काफी मीन्स अच्छे चलते हैं। और इसका जो भोपाल में हेड ऑफिस और कॉरपोरेट ऑफिस दोनों है, तो आप देख सकते हैं ये एफएमसीजी कंपनी है, और इसका जो ऑपरेशंस चालू हुआ था 1993 में और लिस्टिंग हुई थी पीएससी और एनएससी पे दोनों पर। ये देखिए ये सारी चीजें बनाती है, राइस, एडिबल ऑयल, पल्सेस, शुगर, सोया चंक, व्हीट फ्लोर, मीन ये सब प्रोसेस करके पैकिंग करके मार्केट में भेजते हैं, और इनका जो टर्नओवर है वो काफी अच्छा मीन्स हो रहा है, इसी के चलते प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं इस कंपनी के। और जितने भी इनके यूनिट्स है सभी एमपी में ही लोकेटेड है, और वहीं पे सबसे ज्यादा मीन इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इनका एक एक्सपोर्ट हाउस भी है जो एक्सपोर्ट करने के लिए इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है विद इनके जो ब्रांड्स है, ये देखिए सावरिया, नर्मदा, सुलभ और नशीरा, ये चार ब्रांड्स है, खाली सावरिया ही नहीं है। और आप ये देख सकते हैं सिंगापुर में भी इनका एक्सपोर्ट होता है, और जो रैंक इसका आया था 336 इन अमंगेस्ट 1000 इंडिया फाइनेंस कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रैंक दिया था इन्हें, और 3 जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मंडीडीप, इटरसी और बेतुल में। तो ये था कंज्यूमर, सावरिया कंज्यूमर के वेबसाइट से मैंने बताया, और आप देख सकते हैं इसके चार्ट, और आगे जाके मीन्स ये भी मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि जो इनके प्रॉफिट धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, इसका जो टोटल मार्केट कैप है 1391 का है, और डिविडेंड 15% का इसमें हाल ही में दिया था, जो भी लास्ट दिया था ईपीएस 1.09 की है, और ये भी फ्यूचर कंज्यूमर जैसे प्रोडक्ट बनाती है, और खुद ही स्टोर्स फ्रेंचाइजी के थ्रू देकर चालू करके सेल करती है, और होलसेल में भी देती है काफी बड़े बड़े डीलर्स को। लेकिन इनकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो सितंबर 2017 में 71% थी, और अब 66% थोड़ी घटाई है, और एफआईआई जो पब्लिक में 33% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड वालों ने अभी तक ये स्टॉक नहीं खरीदा है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है,
तो ये अगर मिड कैप की कंपनी बन जाती है तो मीन्स काफी अच्छा मीन्स इस कंपनी को बूस्ट मिलेगा। तो अभी ये जो स्टॉक चल रहा है इसने लो बनाया था फिर से 15 रुपए के करीब लगभग, तो 15 रुपए से फिर आया है 18 रुपए पे। तो आप इसका जो मूवमेंट देखकर ही स्टॉक को खरीदे, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है और वॉलेटाइल मार्केट में सबसे ज्यादा मीन्स फर्क इन्हीं कंपनी को गिरता है। और अगर आपको ये फिर से 10 से 12 रुपए के बीच में, 10 से 15 रुपए के बीच में मिलता है तो आप ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, और मेरे हिसाब से 20 से 25 रुपए के बीच में आप सेल कर सकते हैं। तो यही एक राय रहेगी कि थोड़ा अगर नीचे आता है तो आप लीजिए, और थोड़ा ऊपर जाता है 20 के ऊपर तो आप सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेते हैं तो बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि ग्रो काफी मीन्स धीरे धीरे कर रहा है। तो आज यही बताना था, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।